पुष्पा, पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल ले इंसान, वही जो अपनी तकदीर बदल ले, कल क्या होगा ये मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने पुष्पा मूवी अवश्य देखा होगा, और जिसने भी देखा होगा उसे पता होगा कि एक साधारण सा मजदूर मेहनत करके मालिक बन बैठता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको हम पुष्पा मूवी का वो 5 टिप्स बताएंगे जिसको जानने के बाद आप भी अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हो। दोस्तों, सबसे पहला टिप्स है कि आप शांत रहना सीखो। दोस्तों, हर किसी के जिंदगी में ऐसा होता है कि परेशानी तो आता ही है, और हर कोई अपनी जिंदगी में परेशान होने के बाद अशांत हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, परेशानी आने के बाद जो होने का होता है वो तो हो ही जाता है, लेकिन हम लोग बेवजह परेशान हो जाते हैं। लेकिन परेशान नहीं होना है, बल्कि आपको शांत होकर के सोचना है कि उसका सॉल्यूशन क्या है। दूसरा है, बड़े सपने देखो। दोस्तों, कभी भी ये मत सोचो कि वो लोग बड़े हैं तो केवल वही बड़े सपने देख सकते हैं, आप भी बड़े सपने देख सकते हो। इसीलिए कभी भी छोटा सपना नहीं देखो, क्योंकि बड़ा सपना देखोगे तभी आपका मेहनत भी बड़ा होगा, और यदि मेहनत बड़ा होगा तो आपका सपना भी पूरा अवश्य होगा। दोस्तों, तीसरा चीज है कि आप कभी भी खुद को कमजोर मत समझो। लोगों को अक्सर ये लगता है कि ये चीज मैं नहीं कर सकता हूँ, ये चीज केवल वही कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया में आप भी स्पेशल हो, और आप जो चाहोगे आप वो कर सकते हो, इसीलिए कभी भी खुद को कमजोर मत समझो। चौथा चीज, आपने चाहे कितना भी गरीबी क्यों ना झेला हो, चाहे आपने कितना भी दुख क्यों ना झेला हो, लेकिन अपने जिंदगी में इतना मेहनत करो कि आपका सारा गरीबी और आपका सारा दुख मिट जाए, ऐसा बनो, कुछ ऐसा करो। उसके बाद जो पांचवा है, पांचवा ये है कि आप किसी से दुश्मनी करते हो, चलो ठीक है, लेकिन कभी भी खुल के दुश्मनी मत करो। दुश्मनी ही करना है तो ऐसे करो कि उसे पता भी ना चले और साला तुम बाजी मार लो, ऐसा बनो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि ये 5 टिप्स आपको बहुत पसंद आया होगा, और जिंदगी में कभी भी किसी चीज का कॉपी मत करो, बल्कि खुद ऐसा बनो कि लोग तुम्हारा कॉपी करे। बस मिलता हूँ अगले नए वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और दोस्तों से भी शेयर करना, और कमेंट में लिखना जय श्री महाकाल।